हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी घर बैठे IRCTC से ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट बुक करते हैं तो आप घर बैठे जो है ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट अपने ही मोबाइल से कैसे बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ और आज हम लोग जो है लाइव टिकट बुक करने वाले हैं। आज मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अगर आप एक PNR पे एक से ज़्यादा आदमी का अगर टिकट बुक करते हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, यानी एक PNR नंबर पे जो है आप दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी का टिकट अगर बुक करना चाहते हैं तो एक ही बार में आप एक से ज़्यादा आदमी का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सुम, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल रॉयल सुम टेक्निकल। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं कि हम लोग जो है ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट घर बैठे कैसे बुक कर सकते हैं। वीडियो में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा या आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों आ गए हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले जो आपको अपना IRCTC एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप अपना IRCTC एप्लीकेशन ओपन करके उसे लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आपको एक ट्रेन का ऑप्शन शो कर रहा है, सेकंड में फ्लाइट, थर्ड में बस। तो आपको अगर ट्रेन में टिकट बुक करना है तो आप ट्रेन के ऑप्शन पर जाइएगा, फ्लाइट का टिकट बुक करना है तो फ्लाइट के ऑप्शन पर जाइएगा, बस का टिकट बुक करना है तो बस के ऑप्शन पर जाइएगा। बट अभी जो हमें ट्रेन का टिकट बुक करना है इसलिए हम लोग ट्रेन के ऑप्शन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ट्रेन के ऑप्शन पे आ गए यहाँ पे हमें और सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, बुक टिकट, माई बुकिंग, PNR, इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं बट अभी जो है हमें टिकट बुक करना है इसलिए हम लोग जो है बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए फ्रॉम एंड टू आ गया, यानी आपको यहाँ पे ट्रेन सर्च कर लेना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का सफ़र करना है। तो यहाँ पे जैसे फ्रॉम में जो है राजकोट डाल देंगे और टू में जो है मथुरा, यानी हमें राजकोट से लेके मथुरा का टिकट बुक करना है। क्लास में हम लोग ऑल क्लासेस ही रहने देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोटा जनरल ही रहेगा। यहाँ पर डिपार्चर डेट दे रहा है, आपके सामने 3-4 डेट शो करता है। अगर आपको इस डेट में टिकट लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप डिपार्चर डेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपको जिस भी डेट को जाना है इस डेट को जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर। तो यहाँ देखिए हमारे सामने जो है अगस्त मंथ खुल गया और यहाँ पे जो हमें 3 अगस्त का टिकट बुक करना है, यहाँ पे 3 अगस्त पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। हम लोग 3 अगस्त चूज कर लिए और यहाँ पे ओके कर दिए। इसके बाद से जो हम लोग सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब उस डेट में, उस रूट में जितनी सारी ट्रेन होंगी सारी ट्रेन की लिस्ट खुल के सामने आ जाएंगी। तो हमारे सामने देखिए एक ट्रेन खुल कर आई है, 124/77 करके जो है एक ट्रेन खुल के आई हुई है। अब इसमें जो हम लोग पहले सीट चेक कर लेते हैं कि इसमें सीट खाली है या नहीं। हम लोग 2S में भी चेक करते हैं तो 2S में नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। स्लीपर में देखिए, स्लीपर में अभी 24 सीट दिखा रही है। थर्ड AC में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 33 सीट दिखा रही है। बट आपको जिस भी क्लास में टिकट बुक करना है आप उसको चूज कर लीजिएगा। तो आज जो हम लोग स्लीपर क्लास में टिकट बुक करने वाले हैं तो हम लोग जो है यहाँ पे स्लीपर में सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी 24 सीट खाली है तो हम लोग जो है यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग पैसेंजर डिटेल्स के ऊपर में क्लिक करेंगे यहाँ देखिए कन्फर्मेशन देगा, आप इस पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके साथ पढ़ने के बाद यहाँ पर आई एग्री कर दीजिएगा। आई एग्री करने के बाद जो है प्रोसेस हमारा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए एक इन्फो में दे रहा है सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, यानी यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन का कंसेशन अलाउड नहीं है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। अगर आपने मास्टर लिस्ट में नाम ऐड करके रखा है तो आप मास्टर लिस्ट से ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप जो है यहाँ पे ऐड न्यू के ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप ऐड न्यू करके पैसेंजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले पैसेंजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपसे फिर बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 पैसेंजर को सेलेक्ट कर लिया। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आज जो हम लोग एक से ज़्यादा टिकट बुक करेंगे एक ही PNR नंबर पे, तो यहाँ पे हमने जो है 3 पैसेंजर सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे मैंने ऑलरेडी IRCTC से अब रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी, बट मैंने आज तक सिर्फ एक ही टिकट बुक किया था एक PNR पे। मैं पहली बार जो हूँ यहाँ पे
आपको बता रहा हूँ कि एक पीएनआर पे जो है आप एक से अधिक आदमी का भी अगर टिकट बुक करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने 3 पैसेंजर को सेलेक्ट कर लिया। अब जो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे पैसेंजर मोबाइल नंबर दे रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जिस नंबर से आप आईडी बनाए रहते हैं वो नंबर जो है आपको शो करता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अब जो है नीचे में हमें अदर प्रेफरेंस दे रहा है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप इसे क्लिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड, आप इसको भी क्लिक कर दीजिए। सीट कम है, ऐसे तो सीट मिल ही जाएगी कंफर्म, बट आप कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको दे रहा है इंटर प्रीफर्ड कोच नंबर। अगर आप कोच नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके कोई रिलेटिव अगर उस दिन में उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे, आप चाहते हैं अपने रिलेटिव के साथ जाना उसी कोच में, तो आप कोच नंबर डाल सकते हैं। अगर सीट खाली होगी तो मिल जाएगी। रिजर्वेशन चॉइस दे रहा है, हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए रिजर्वेशन चॉइस में हमें 4 ऑप्शन दे रहा है, नन, बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन द सेम कोच, बुक ओनली एटलीस्ट वन लोअर बर्थ आर अलॉटेड, बुक ओनली 2 लोअर बर्थ आर अलॉटेड। तो यहाँ पे हम लोग जो है एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज एलोकेटेड कर देंगे, क्योंकि एक लेडीज है, अगर एक सीट लोअर बर्थ मिल जाती है तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग आगे चलते हैं पेमेंट मोड पे। यहाँ देखिए हमें 2 पेमेंट मोड का ऑप्शन देता है, पे थ्रोड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड पे थ्रोड भीम UPI। तो हम लोग जो है यहाँ पे थ्रोड भीम UPI से करेंगे। मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया है कि आप लोग जब भी पेमेंट कीजिए तो वॉलेट से पेमेंट कीजिए। वो किसी भी वॉलेट से कर सकते हैं, पेटीएम से, फ़ोनपे से, या IRCTC वॉलेट से, आप किसी से भी कीजिए। तो मैं प्रेफर करता हूँ फ़ोनपे को। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फ़ोनपे से पेमेंट कीजिए, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान ट्रिक से जो है, बिल्कुल आसान तरीके से जो है पेमेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे थ्रोड भीम UPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कन्वेंस फी भी जो है हमें कम देना पड़ता है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में आपको 15 रुपया प्लस GST देना पड़ता है, आपको यहाँ पे 10 रुपया प्लस GST देना पड़ता है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, नो कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे जो हम लोग रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके पहले जो है आप एक बार फुल पढ़ लीजिएगा कि आपने कहीं पे कुछ गलती तो नहीं किया है। चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, यहाँ पे कोई चीज़ की गलती नहीं है। अब जो है हम लोग यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही आप रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका नया पेज खुल कर आ गया। यहाँ पे टोटल डिटेल्स खुल के आ गई है। अब यहाँ पे जो है आपको एक कैप्चा दे रहा है, आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर लीजिए। यहाँ पे हमें कैप्चा दे रहा है DYFX। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पे दे रहा है, देखिए 1706.80 रुपये में लग रहा है, प्रोसीड टू पे कर देंगे। यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपका टिकट बुक नहीं होता है किसी कारण से, तो आपका अगर पेमेंट कट जाता है तो वो आपको जो है 3 से 5 दिन के अंदर में जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। आप यहाँ पे यस कर दीजिए। देखिए जैसे ही यस कर दीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट मेथड आ गया, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भीम UPI आ गया। तो हम लोग मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फ़ोनपे के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे पे कर देंगे। जैसे हम लोग पे के ऊपर में क्लिक करेंगे, हमारा जो है IRCTC जो है हमें फ़ोनपे पे ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पे देखिए सेंड OTP टू लॉगिन दे रहा है, तो हम लोग इस पर लॉगिन कर लेते हैं। हमारे पास में जो है एक OTP आएगा, इस OTP को जो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, जो 5 डिजिट का OTP होगा, हम लोग इसको फिल कर लेंगे। देखिए OTP आ गया, तो हम लोग जो है इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम जो है इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ देखिए 1706.80 रुपये जो है हमें IRCTC को पे करना है, तो हम लोग यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए मैं आपको जो है लाइव टिकट बुक करके बता रहा हूँ, पेमेंट भी कटवा के दिखा रहा हूँ कि आप जो है पेमेंट मेथड भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जो है हमें यहाँ से जो है इसको कट कर देना और हम जो है अपने फ़ोनपे पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आ गए हम लोग फ़ोनपे पे। यहाँ देखिए रिक्वेस्ट आया हुआ है IRCTC की तरफ से, हमें पे करना है, तो हम लोग पे के ऊपर में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके फ़ोनपे में जितने बैंक अकाउंट लिंक होंगे सारे बैंक अकाउंट ओपन हो जाएंगे। आपको जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट कटवाना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा ये थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, आप अपना UPI पिन नंबर डाल दीजिएगा। UPI पिन नंबर डालने का ओके कर दीजिएगा और यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग पेमेंट होगा, थोड़ी देर बाद जो है पेमेंट ऑलरेडी कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप डन कर दीजिए। डन करने के बाद फिर से जो हम इसको बैक कर देते हैं और चलते हैं अपने IRCTC पे। जैसे हम लोग IRCTC पे आएंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद जो है ये जो है हमारा सामने खुल कर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टिकट जो है बुक हो गया। यहाँ देखिए हमने 3 पैसेंजर का नाम डाला था, यहाँ पे तीनों पैसेंजर का नाम जो है खुल के आ गया। यहाँ देखिए S6 में जो है 77 है, S6 में 78 है, S6 में 80 नंबर है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा तीनों पैसेंजर का टिकट जो है
कंफर्म बुक हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल आप ऐसे ही इसी तरीके से जो है IRCTC से घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी आपको हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैं आपको बारीकी से फिर से समझा दूंगा कि आपको कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।